प्रीवियस क्लास में हमने मिसेलनियस एक्सरसाइज द्विविध प्रश्नावली करना शुरू कर दिया था, तो उसके आगे से हम करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिया था। अभी जो है आप देखें आगे इसमें 4-5 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज में भी आ चुका है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिए, तो इसको आप खुद से देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 अपन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, टू प्रूव में सिद्ध करना है हमारे को टेन इनवर्स 1/2 टेन 2a प्लस टेन इनवर्स कॉट ए। ये हमको प्रूव करके बताना है कि तीन टैन इनवर्स के फंक्शन लिखे हुए हैं, इनका जो सम है, इनका जो योगफल है, वो 0 के इक्वल होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो देखो प्रूव करना है तो हम सबसे पहले तो LHS लिख लेते हैं यहाँ। ये हमने लिख लिया। देखो वैसे तो अगर मैं इसको एक्स मान लू, इसको वाई मान लू और इसको जेड मान लू, अगर तो यहां पे एक फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड वाला। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा काफी लंबा छोटा एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि अभी यहाँ टेन टू ए का फॉर्मूला भी लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन में बेटर होगा अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए तीनों में एक साथ फॉर्मूला लगाने की बजाय दो में लगा लेते हैं। और दो कौन से चूज करें अपन, इन दोनों के अंदर आप देख रहे हो अंदर में कॉट में आ रहे हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तीनों में एक साथ नहीं लगाएंगे। यहां इसको मैं अगर एक्स मान लू और इसको अगर मैं वाई मान लू तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इधर, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ये वाला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखें टेन इनवर्स, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते चलते हैं साथ में। टेन टू ए का फॉर्मूला एक ही होता है, टू टेन ए अपॉन 1 - tan² यही होता है टेन टू ए का। तो ये हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, एक्स प्लस वाई ये एक्स का काम कर रहा है प्लस वाई अपॉन 1 - xy यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो कॉट ए इंटू कॉट क्यूब ए क्या हो गया, कॉट की पावर 4 हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप ये रह जाएगा यहां पे, यहां पे आप देख रहे हो कि जो अंश है ऊपर से तो कॉट ए कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में से, तो जब आप यहां से कॉट ए कॉमन ले लोगे तो बच क्या जाएगा भी 1 + cot² और इसको आप a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो a² - b² a + b और a - b। अब ये कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। यहां समझ रहे हैं आप यहां से कैसे आए, तो ये जो वन है ये 1 का स्क्वायर था और ये कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो a² - b² a + b करोगे तो a + b ये वाला आ जाएगा और a - b करोगे तो ये वाला आ जाएगा। अब आप देखो ये तो अंदर वाला एक्सप्रेशन टेन में लिखा हुआ और ये कॉट में लिखा हुआ, तो या तो इसको टेन में कन्वर्ट कर लो, सॉरी इसको कॉट में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको छोड़ दो इसको टेन में कर लो, किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो उसको बदल लेते हैं अपन, इसको मैं लिखूंगा 1 / tan a
और यहाँ पे वन माइनस, इसको मैं लिखूंगा वन अपॉन टेन स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, प्लस टेन इनवर्स वन बाई टेन इंटू टेन स्क्वायर ऊपर चला गए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन। अब यहाँ पे अंदर क्या है, टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर है माइनस वन, तो अंदर वाले एक्सप्रेशन में माइनस का फर्क है, तो माइनस कॉमन ले लो आप किसी भी एक जगह से, वहां से ले लो या यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लेता हूँ दोनों, टेन इनवर्स यहां से मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन, फिर इसको नहीं छेड़ना, टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन, याद है। अब टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, फर्स्ट कैटेगरी वाला है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन, और ये एज इट इज। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्या है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी प्रूव करने वाला ही क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू होगा 2 tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot inverse x। ये हमारा क्वेश्चन है, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड वाला है, थोड़ा जटिल है, उसको तोड़ के ऐसा बनाएंगे, इससे ये लाना तो मुश्किल है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे आरएचएस, तो आरएचएस ले लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखो क्या करना चाहिए, अंदर की साइड में ध्यान दो, बाहर टेन है तो अंदर भी टेन इनवर्स बना। ये तो जैसा फंक्शन बाहर होता है वैसा अंदर बनाते हैं, बाहर कोसेक है तो अंदर कोसेक इनवर्स बना। तो ये जो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलना तो आसान है, वन बाई एक्स हो जाता है, लेकिन अब टेन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में बदलना है तो वही पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम चार पांच बार में यूज कर चुका हूं, अब तक समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, कर्ण आधार लंब। अब ये टेन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ये किसकी वैल्यू है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बेस, तो ये हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना हो गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आराम से आगे। तो अब इसको यहां अप्लाई कर दो आप, इसको आप बदलना चाह रहे हो कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स में क्या आएगा कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कर्ण और बटे में लंब ये आ गया। ठीक है, माइनस टेन, इसको तो टेन इनवर्स में सीधा फॉर्मूले से बदल सकते हैं, ये वन बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये पार्ट यहां से रिमूव हो जाएगा और ये पार्ट यहां से रिमूव,
वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये हो गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। अब इसके आगे क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया था रूट में अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन आ रहा है तो उस रूट को हटाने के लिए हम x के प्लेस में tan थीटा पुट कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन भी करे, दो क्वेश्चन मैंने ऐसे करे, तो यहाँ पे हम कहेंगे x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा लगा दूंगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan। अब ये sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर कितना आ गया sec थीटा, टू tan इनवर्स। अब इसको sin cos में कन्वर्ट कर लो, ये वन अपॉन cos करके करोगे तो वन माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। इसको सॉल्व किए और ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, 2 tan inverse 1 minus cos, और मुझे याद हो गए होंगे अब तक, तो मैंने बताया था 1 plus cos तो convert हो जाता है 2 cos square में, और 1 minus cos convert हो जाता है 2 sin square। तो ये 1 minus cos है 2 sin square, और जो भी angle होगा उसका half हो जाएगा। 1 minus cos theta को मैंने लिख दिया 2 sin square theta by 2। तो इस अब यहाँ angle theta by 2 हो गया, तो इसका angle भी theta by 2 है, ये पूरा रखे क्या करेगा भाई, 2 sin theta by 2 cos theta by 2, ठीक है, तो sin theta by 2 upon cos theta by 2, तो क्या हो गया tan theta by 2। अब ये पार्ट यहां से रिमूव हो गया, 2 into theta by 2 कितना रह गया, only theta। अब यहां हमने x को tan theta माना था तो theta की वैल्यू कितनी होगी, tan inverse x, which is equal to LHS, hence root, ठीक है, आराम से नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, समझने के लिए वीडियो को आगे पीछे करके बार बार सुन सकते हैं। क्लास में तो फिर भी कोई बच्चा दोबारा पूछे तो शुरुआत से हमको एक्सप्लेन करना होता है, तो यहाँ वही चीज दोबारा आपको देखनी तो रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको दो वैल्यू दे रखी, ऐसा बोला है phi इज इक्वल टू tan इनवर्स x रूट 3 अपॉन 2 के माइनस x, ठीक है। दूसरा हमको दे रखा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन में k रूट 3, ये हमको फाई और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स के टर्म्स में दे रखी। इसकी हेल्प से हमको प्रूव करना है फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 30, ये प्रूव करना है। तो LHS ले लेते हैं इसका भी, फाई माइनस थीटा, अब फाई की वैल्यू ये है तो अप्लाई कर दो इधर, माइनस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2x माइनस k अपॉन k, फाई और थीटा की वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी। अब आप देखो अगर इसको x की तरह ट्रीट किया जाए और इसको y की तरह ट्रीट किया जाए तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बन रहा है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, तो
ये फॉर्मूला अपन यहां अप्लाई करेंगे, ये एक्स का काम करेगा और ये वाई का काम करेगा। तो देखें, टेन इनवर्स ये एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दें, ये एक्स इंटू में वाई। अब इसको सॉल्व करना है हमारे, देखो सॉल्व करने के लिए आगे यहां से एलसीएम ले लेते हैं इसका, एन इनवर्स क्या एलसीएम आएगा, टू के माइनस एक्स के साथ में के रूट थ्री आ जाएगा। अच्छा वही एलसीएम यहां पे आ जाएगा, देखो आप, तो फिर मैं एलसीएम वाली टर्म लिखता नहीं, दोनों जगह सेट जाएगी। तो अब ये के रूट थ्री यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया, रूट थ्री और रूट थ्री मिलकर तो थ्री हो गया, थ्री के एक्स आ गया, ठीक है माइनस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, चलो टू के को टू एक्स से मल्टीप्लाई किया, फोर के एक्स, टू के को माइनस के से मल्टीप्लाई किया, माइनस टू के स्क्वायर। अब माइनस एक्स की बारी है, माइनस एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करा, माइनस का टू एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स को माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का के अपॉन में, ये जो आया था ये हम लिख नहीं रहे क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब एलसीएम ये आएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके इस वन की जगह चले जाएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस वन की जगह लिख दो आप, तो क्या आएगा, टू के को के रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो टू के स्क्वायर रूट थ्री, फिर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस का रूट, ठीक है, प्लस अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स रूट थ्री को टू एक्स से मल्टीप्लाई करा तो टू एक्स स्क्वायर रूट थ्री, और माइनस के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट थ्री के एक्स। यह देखो अगली स्टेप, थ्री के एक्स फोर के एक्स प्लस के एक्स कितना हो जाएगा, फाइव के एक्स, तो माइनस में कितना आ जाएगा, फाइव के एक्स, ठीक है, फिर ये माइनस का टू के स्क्वायर ये हो गया प्लस का टू के स्क्वायर, ठीक है, माइनस का टू एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस का टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे की साइड में और तो सब ठीक है, ये दोनों मिलके टू रूट थ्री के एक्स हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं टू के स्क्वायर रूट थ्री ये वाला, फिर इसको लिख देता हूं टू एक्स स्क्वायर रूट थ्री, ठीक है, और ये दोनों मिलकर टू रूट थ्री के एक्स। इन द नेक्स्ट स्टेप टेन इनवर्स ये टू के स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर और माइनस का टू के एक्स, तो तीनों जगह से अगर मैं देखूंगा इसको सॉल्व करने के बाद तो क्या कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आ जाए, तो टू कॉमन आया तो यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस का टू के एक्स बचा था तो माइनस का के एक्स। अच्छा जी यहाँ देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, टू रूट थ्री कॉमन आ रहा है, यहाँ से सब जगह से आ रहा है, तो यहाँ से टू रूट थ्री कॉमन ले लिया तो के स्क्वायर बच गया, यहाँ से टू रूट थ्री कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ से माइनस का के एक्स बच गया, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, तो टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री जो है टेन में टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है, ये आ गया पाई बाई सिक्स, या डिग्री में लिखें तो क्या बोल सकते हैं, थर्टी डिग्री इज इक्वल टू आर एच एस। दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट कैलकुलेशन पार्ट ओनली, थोड़ा ये कैलकुलेशन ही करनी, ट्वेल्थ क्लास तक अगर आप आ गए हो तो इतनी कैलकुलेशन की तो उम्मीद आपसे कर सकते हैं, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा है यहाँ पे, तो आराम से पोज करके नोट कर लें। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, अब मिसेलियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया 21।
तो लेंथी क्वेश्चन है, लास्ट है, इसको आज ही अपन करके कंप्लीट करते हैं, फिर अगली क्लास में मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा। तो ये आज की क्लास का अपन लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 प्रूव करना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इधर से मैं शुरू करता हूँ। टू टेन इनवर्स, टेन 45 डिग्री माइनस अल्फा टेन बीटा बाई टू, ये तो अपने को एलएचएस दे रहा है, और इसके इक्वल में हमको प्रूव करना है कॉस इनवर्स साइन टू अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू अल्फा इनटू कॉस बीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो एलएचएस ले लेते हैं प्रूव करने के लिए, एलएचएस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करें, और लिखने में भी लेंदी होगा, एब्सर्ड चीजें आएंगी इसमें, तो मैं पहले तो एलएचएस लिख लेता हूं। अच्छा जी, अब देखो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, यहां पर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, वो फॉर्मूला अपन अप्लाई कर टेन ए यानी कि टेन 45 डिग्री माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, और ये यहाँ पे इसके साथ में टेन बीटा बाई। अब हमको पता है कि टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे अपन 1 लिख देते हैं। टू टेन इनवर्स 1 माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा और इनटू में टेन बीटा बाई, ये स्टार्टिंग में अपन ने यहां टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर। अब आगे देखें क्या लगता है, टू टेन इनवर्स, ये जो पूरा का पूरा है इसको अपन एक्स की तरह ट्रीट कर लेते हैं, टू टेन इनवर्स एक्स बन गया, तो टू टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले, तो हमको कौन सा लगाना चाहिए, आरएचएस किस में लेके आना है, कॉस इनवर्स में, तो हम कॉस इनवर्स में फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला कौन सा है टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक्स का काम करेगा। देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर, यहां स्क्वायर लग जाएगा, यहां लग जाएगा और यहां भी लग जाएगा, ऐसा आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा के ऊपर स्क्वायर लग गया, 1 प्लस टेन अल्फा के ऊपर स्क्वायर लग गया, और ये हो गया टेन स्क्वायर बीटा वाई। सिमिलर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना है, तो ये का ये आएगा, बस यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, अब इसके बाद क्या होगा, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, ठीक है। अच्छा, दोनों के डिनोमिनेटर में जो हर में एलसीएम रहेगी, दोनों का सेम होती तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको तो अपन हटा देते हैं, और इसको यहाँ लिख देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं, साथ में ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन भी कर देता हूँ, इधर ले लेते हैं अपन। देखो कॉस इनवर्स ये यहां गया और इसको मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टू टेन, ओके, देन माइनस
अब इसको भी मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करके ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वन प्लस एन स्क्वायर अल्फा माइनस टू टेन अल्फा, यहां तक आ गए। इसके आगे क्या आएगा, एन स्क्वायर बीटा बाई टू आएगा, और ये जो है मैंने जैसे कहा ये हो गई कैंसिल, हटा देते। अब नीचे आ जाते हैं, ये वाली वैल्यू यहां चली जाएगी, इसको भी मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करके यहां लिख देता हूँ, ठीक है प्लस। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं, वन प्लस एन स्क्वायर अल्फा माइनस टू टेन अल्फा, और बाहर क्या है इसकी, एन स्क्वायर बीटा वाई। ओके नथिंग स्पेशल अप टू हियर, जस्ट अप्लाइड द फॉर्मूला एलसीएम लेके सॉल्व कर। अब यहां से आगे दो तीन स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है समझने के लिए, आज से ध्यान दे कैसे करना। आप देखो यहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये ब्रैकेट में है और ये भी इससे मल्टीप्लाई में होने वाला है, तो एक काम करो इस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, और इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि वन से अलग करा फिर इससे अलग करा, इसको लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो, क्योंकि ये इधर वाला पार्ट में ऐसा बना लेंगे उधर, उससे कॉमन आ जाएगा अगले स्टेप, ऊपर और नीचे दोनों जगह ऐसा करना है। तो कॉस इनवर्स ये तो जैसा है वैसा लिखो, चाहो इसको ब्रैकेट में लिख लो, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को मैंने ब्रैकेट में, टू टेन अल्फा। अब मैं कह रहा हूं कि अलग अलग मल्टीप्लाई में, तो इसको लिया और इसके साथ लिख लो, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के साथ में टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, ओके फिर ये माइनस यहां आएगा तो प्लस टू टेन अल्फा के साथ में टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, कोई दिक्कत यहां तक, जैसा मैंने ऊपर किया है न्यूमरेटर में अंश में जैसा किया है वैसा का वैसा ही नीचे करेंगे अपन डिनोमिनेटर में, हर में भी वैसा ही करना है सेम बिल्कुल तरीके से। इसको ब्रैकेट में लिखो आप, प्लस टू टेन अल्फा प्लस, इसको एक साथ इसके साथ में लिख देना, और ये प्लस जब यहां आया और माइनस टू टेन अल्फा के साथ में टेन स्क्वायर बीटा बाई, ये इस तरीके से लिख लिया। अब इसकी अगली स्टेप समझे आप, देखो ये है टू टेन अल्फा, यहां पे भी आ रहा है टू टेन अल्फा, तो इन दोनों टर्म्स में से दोनों पदों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, टू टेन अल्फा कॉमन ले सकता हूं, कॉस इनवर्स इसकी और इसकी बात हो रही है, तो टू टेन अल्फा आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से तो वन रह जाएगा और यहां से प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू रह जाएगा। ओके अब ये जो दो टर्म्स बच गई, ये वाली और ये वाली, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से वन रह गया, यहां से माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बाई टू रह गया, अपॉन बिल्कुल इसी तरीके से यहां करना है, इसमें से और इसमें से टू टेन अल्फा कॉमन ले लो, वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, इसमें से और इसमें से वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, तो यहां से तो रह जाएगा वन, यहां से प्लस का टेन स्क्वायर बीटा बाई, ओके चलो जी यहां तक तो अपन पहुंच गए। अब देखो अपना जो आरएचएस आ रहा है, कॉस इनवर्स अंदर टेन का कोई नाम ही नहीं, साइन और कॉस है, जबकि हमको तो सब कुछ टेन टेन में दिखाई दे रहा है, तो यहां हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये साइन कॉस में चला जाए, तो ऐसा नहीं करना है कि इसको साइन अल्फा को कॉस अल्फा लिख दिया, इसको आपने साइन स्क्वायर बीटा बाई टू, ज्यादा बड़ा हो जाएगा कुछ, वैसे ही लेंथी हो रहा है,
तो देखो क्या लगता है, आप ये देखो, आप तो ये बताओ साइन टू अल्फा जो है इसका टेन के टर्म्स के अंदर अगर फॉर्मूला लिखोगे तो टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है साइन टू अल्फा, टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो आप, हमारे पास टू टेन अल्फा तो है यहाँ पे, अगर इसके अपॉन में किसी प्रकार से वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आ जाए तो इसको फिर साइन टू अल्फा लिख सकते हैं, यानी ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब कैसे आएगा फिर, यानी कि हमको वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड किया ये बना साइन टू अल्फा हो गया, लेकिन फिर भी ये तो साथ रहेगा, लेकिन जो प्रूव करना है उसमें तो साइन टू अल्फा के साथ में कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, यानी इसको भी हटाओ तो ये कैसे हटाएगा, इसी से डिवाइड कर दो, वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से क्या कर देंगे डिवाइड, तो दो टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको साइन टू अल्फा बनाने के लिए वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करो, और इसको हटाने के लिए वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय टू से डिवाइड करो। तो यहां पे अपन ने लिखा डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मतलब अंश व हर बाय, क्या क्या बताया था, इसको साइन टू अल्फा बनाने के लिए तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और इसको हटाना है साथ में ये भी, तो ये दोनों टर्म से डिवाइड करना है। तो अब देखो पूरा होगा, इस पूरे को डिवाइड कर दो और इस पूरे को भी डिवाइड कर दो, तो देखो टू टेन अल्फा के अपॉन में तो ये लिख दो, इसके अपॉन में जब ये आएगा ये हट जाएगा, आगे चलते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर, अब इस पूरे को डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गए और इसके अपॉन में ये आ जाएगा। जैसा हमने ऊपर किया है बिल्कुल उसी तरीके का नीचे हो जाएगा, क्या होगा टू टेन अल्फा के अपॉन में तो ये आ जाएगा, लेकिन अब ये दोनों कैंसिल नहीं होने वाला, जिसके अपॉन में ये आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू ये वाला और इसके अपॉन में प्लस। अब इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल तो वन आ गया। अब यहां क्या जरूरत पड़ेगी, यहां दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, एक तो जो मैंने आपको भी बताया था साइन टू अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, दूसरा एक और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप देखो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर होता है। अब मैं अगर यहाँ बीटा कर दूं इस टू थीटा की जगह ही इसकी जगह बीटा कर दूंगा तो बाकी सब कुछ आना तो ऐसे ही है, अब टू थीटा का हाफ हो रहा है थीटा तो बीटा का हाफ क्या हो जाएगा, बीटा बाई टू हो जाएगा। तो जहां जहां ये लिखा हुआ है ये रहा इसकी जगह तो आ जाएगा कॉस बीटा, और जहां जहां ये लिखा हुआ है इसकी जगह आ जाएगा साइन टू अल्फा, तो ये इसकी लास्ट स्टेप आ जाएगी, ये साइन टू अल्फा ये कॉस बीटा ये वन प्लस ये साइन टू अल्फा और ये कॉस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये जैसा मैंने कहा था थोड़ा सा लिखने में भी लेंदी है, लेकिन आराम आराम से क्वेश्चन को समझे, डिफिकल्ट नहीं, दो तीन स्टेप से यहां से थोड़ा सा इन दो तीन स्टेप्स को ढंग से समझ ले। दूसरी बात, ये अपन ने जो आपका सेकंड चैप्टर अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का शुरू किया था, तो जहां तक टेक्स्ट बुक की बात है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी क्वेश्चन हो गए, मिसेलियस एक्सरसाइज भी प्रश्नावली क्वेश्चन भी हो गए, जो छोड़े हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, कमेंट बॉक्स में अगर कुछ आएगा कि भाई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा। दूसरी बात की मैं बार बार कहता हूँ आपसे बात कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस,
पहली चीज तो फॉर्मूले ऑन टिप्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में। कोई भी चीज समझ रहे, मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं किसी फॉर्मूले का रेफरेंस दे रहा हूँ, अब आपको याद ही नहीं याद है तो फिर समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। दूसरा, मैथमेटिक्स को समझने का, सीखने का आसान तरीका क्या है, कि जैसे टीचर ने आपको कोई क्वेश्चन समझाया, आप उसके साथ में समझने का प्रयास करो, एक बार समझ लो, अभी वीडियो में आप देख रहे हो दोबारा वापस रिमाइंड करके दोबारा समझ लो। अब अच्छा रहेगा अगर आप बिल्कुल बोर्ड पे से देख के कॉपी ना करें, आपने दो बार समझा क्वेश्चन लिखो और खुद करने की कोशिश करो, जहां अटक जाओ, जैसे मान लो आपने दो बार क्वेश्चन को समझा और फिर आपने अपने आप पढ़ना शुरू करा, तो आप यहाँ तक तो आपको जब समझ आ गया, मान लो फिर आपको आगे लग रहा है यार यहाँ क्या किया था सर ने पता नहीं, तो वापस जाके एक बार वीडियो में देख लो, समझ आया, फिर वापस बंद करो, पॉज करो और अपने आप से करने का प्रयास करो। कहने का मतलब समझ तो भले एक बार दो बार, लेकिन कोशिश करो अपने आप से करने। और दूसरी बात, फॉर्मूले लर्न कर लो, क्योंकि फॉर्मूले के बिना मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास के अंदर कुछ बचे हुए एग्जाम्पल और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच।